हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा पल्सर 180 UG4 और आज हम दिखाएंगे कि ड्रम ब्रेक की सर्विस कैसे करते हैं मुफ्त में। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटली फ्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली जब भी ड्रम ब्रेक अच्छे से ना लगे तो इसको खोल के उसके ब्रेक शू चेंज करना, वो तो सभी को आता है और वो सभी करते हैं, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम आपको मुफ्त वाला जुगाड़ दिखाएंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो या फिर आपके पास वो अवेलेबल ना हो ड्रम ब्रेक के ब्रेक शू, तो टेम्पररी हम कैसे जुगाड़ करेंगे वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमें ये बोल्ट को खोलना होगा, ये वाले बोल्ट को भी खोलना होगा और यहाँ से भी खोलना होगा, और ये वाले बोल्ट को पूरा बाहर नहीं निकालना है। व्हील को यहाँ पे ही लटके रहना रहेगा, सिर्फ ये ड्रम प्लेट को निकालेंगे और ब्रेक शू को सर्विसिंग करेंगे। और याद रखिए कि ये वाला बोल्ट जब भी खोलना हो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद इसको हम खोलेंगे। ये नट हमने खोल दिया है और अभी उसको खोलेंगे, लेकिन वो खोलने से पहले ये वाला नट खोल लेंगे और ये वाला 14 mm वाला बोल्ट खोल देंगे। ये दोनों खोलने के बाद इसको आधा निकालना है ताकि ये ड्रम प्लेट आसानी से बाहर आ जाए। फाइनली हमने इसकी ड्रम प्लेट निकाल दी है और ये एक्सेल वाला जो बोल्ट है इसको पूरा नहीं खोलना, आधा ही खोलना है। चार मैंने खोला है, इतना तो रखना है, पूरा नहीं निकालना। और 180 में ड्रम के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए काम करना आसान रहता है। ये है हमारी ड्रम प्लेट और अभी भी इसके ब्रेक शू में थोड़ी सी जान बची हुई है। अगर बिल्कुल ख़राब हो गए होते तो इस करना पड़ता, लेकिन ये घिस घिस के बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, तो इसको भी बनाएंगे ताकि थोड़ी सी ग्रिप बढ़ जाए। देखिए, ब्रेक शू को हमने रफ कर लिया है और बीच बीच में ग्रूव्स भी बना लिए हैं, मतलब डिज़ाइन भी बना ली है। अगर आपका ब्रेक शू पूरा घिस गया हो तो उसको रिप्लेस ही करना होगा, लेकिन इसमें फ़िलहाल थोड़ी सी जान बची हुई है जो मैं मॉनसून के एंड तक चलाऊंगा और उसके बाद पूरा ब्रेक सर्विस कर लूँगा आगे पीछे दोनों, उसके भी वीडियोज़ आएंगे। और ऐसी कंडीशन थी दोनों की, अभी इसको भी हमें ऐसा ही करना है और उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे। फाइनली हमारा ड्रम रेडी हो चुका है। देखिए, दोनों ब्रेक शू पे हमने डिज़ाइन बना दी है। अब इसकी ग्रिप बढ़ जाएगी, नए जैसी तो नहीं होगी लेकिन पहले जो कंडीशन थी उससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और दूसरी एक टिप मैं देता हूँ, जब भी आप ब्रेक को खोलो, मतलब ड्रम ब्रेक को खोलो, तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयलिंग कर देना ताकि स्मूथ हो जाए। अब इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। फाइनली हमने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है और आज आपने सीखा कि पल्सर 180 का ड्रम ब्रेक कैसे सर्विस करते हैं। हमें दिखता है उतना आसान भी नहीं है और जितना मुश्किल आप समझते हो उतना मुश्किल भी नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।